जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक प्रेस सी राइटिंग करवाने जा रही हूँ। प्रेस सी राइटिंग का पैराग्राफ देखिए। द वर्ल्ड टुडे इज डिवाइडेड इनटू स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। इट इज ट्रू दैट स्मोकर्स कोज सम न्यूसेंस टू द नॉन स्मोकर्स, बट दिस न्यूसेंस इज फिजिकल, वाइल द न्यूसेंस दैट द नॉन स्मोकर कोज टू द स्मोकर इज स्पिरिचुअल। There are of course a lot of non-smokers who don't try to interfere with smokers, and wives can be trained even to tolerate their husbands smoking in bed. That is the surest sign of a happy and successful marriage. It is sometimes amused, however, that the non-smokers are morally superior and that they have something to be proud of, not realizing that they have missed one of the greatest pleasure of mankind. I am willing to allow that smoking is a moral weakness, but on the other hand, we must beware of the man without weakness. He is not too trusted. He is apt to always sober, and he cannot make a single mistake. His habits are likely to be regular. His heart of existence is more mechanical, and his mind always maintains its supremacy over his heart. Much like reasonable persons, I hate completely rational beings for that reason. I'm always scared and ill at ease when I enter a house in which there are no ashtrays. The room is apt to be clean and orderly. The cushions are apt to be two in their right places, and the people are to be correct and unemotional. And immediately I'm put on my best behavior, which means the same things as the most uncomfortable behavior. So, आपने ये smokers और non-smokers पे है ना, हमने ये paragraph पढ़ा। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स लिखना चाहें तो क्या क्या बन जाएंगे, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहला सेंटेंस क्या है, बोथ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स कोज न्यूसेंस। जो स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकर्स हैं, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? मोस्टली नॉन स्मोकर्स डू नॉट इंटरफेयर विद द स्मोकर्स। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते स्मोकर्स के साथ। वाइफ्स क्या करती हैं, टॉलरेट करती हैं देयर स्मोकर्स हस्बैंड को। दिस नॉन इंटरफेरेंस मेक देयर मैरिज सक्सेसफुल, क्योंकि जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को कुछ नहीं कह रही हैं, तो उनकी लाइफ क्या है, उनकी मैरिज लाइफ क्या है, सक्सेसफुल है। स्मोकिंग इज़ अ मॉरल वीकनेस, है ना, ये मॉरल वीकनेस है। वन हु स्मोक्स फील्स इल, जो स्मोक करता है वो इल फील करता है। एट ईज़ विदाउट एन एस्ट्रे इन अ हाउस, है ना। सो इसकी हेडिंग क्या बनेगा, ऑन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, क्योंकि किसकी बात हो रही है, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की। अब इसकी हम प्रेस ही अगर लिखें तो स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स बोथ कॉज सम न्यूसेंस। पहला सेंटेंस हमने यही बनाया था, स्मोकर्स कॉज दिस न्यूसेंस फिजिकली, वाइल द लेटर कौन सा हो गया, नॉन स्मोकर कॉज इट स्पिरिचुअली। मोस्ट ऑफ द नॉन स्मोकर्स डो नॉट ट्राई टू इंटरफेयर विद द स्मोकर्स। ये हमारा दूसरा सेंटेंस था, वाइव्स हैव टू टॉलरेट देयर स्मोकर्स हस्बैंड इन बेड। दिस नॉन इंटरफेरेंस मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। नो डाउट स्मोकिंग इज अ मॉरल वीकनेस, बट अ मैन हैविंग नो मॉरल वीकनेस इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। जिनकी कोई मॉरल वीकनेस ना हो उन पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। अ स्मोकर फील्स अनकम्फर्टेबल एट अ प्लेस विच हैज़ नो एस्ट्रे। जो स्मोकर्स हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जहाँ पर कोई एस्ट्रे ना हो, एंड एवरी थिंग इज क्विक एंड स्पिक एंड स्पैन, यानी हर चीज़ क्या होती है, साफ सुथरी होती है। तो इन दिस वे यू कैन मेक इसकी आप प्रेसी बना सकते हो। प्रेसी में जो हमने मेन पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो पहला पॉइंट था उसको ही आगे बढ़ाया हुआ है कि बोथ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर कॉज न्यूसेंस, यही था ना पहला सेंटेंसेस में लिखे हैं। उसके बाद हम बताया कि स्मोकर्स कैसे कॉज करते हैं फिजिकली, और जो नॉन स्मोकर्स हैं वो स्पिरिचुअली करते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस था, मोस्टली नॉन स्मोकर्स डो नॉट इंटरफेयर विद द स्मोकर्स, है ना, वाइव्स टॉलरेट करती हैं, तो वो उसको सेंटेंस को दो तीन आगे बढ़ा दिया। फिर क्या है, स्मोकिंग इज़ अ मॉरल वीकनेस, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आगे जो पैराग्राफ में लिखा था वो बता दिया। वन हु स्मोक्स फील्स इल एट इज विदाउट एन एस्ट्रे इन अ हाउस, है ना। उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस, मतलब इन दिस वे वन थर्ड आपको एक पैराग्राफ का बनाना है। सो होप
जो प्रेसी की ये एग्जाम्पल है मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाए. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.